हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करती हूँ। आज हम मैंगो जैम बनाएंगे। मैंगो जैम बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कच्चे आम लेंगे और उसे छील लेंगे। अब इन्हें काट लेंगे। इसके बीज को अलग निकाल देंगे। दोनों कच्चे हम कट चुके हैं। अभी कुकर लेंगे। कच्चे आम को उसमें डाल देंगे। उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और कुकर को बंद कर देंगे। इसे मीडियम गैस पर 2 सीटी आने तक के लिए छोड़ देंगे। दो सीटी आ चुकी है। अब गैस बंद कर देंगे। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ये हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसे खोलकर देख लेते हैं। देखिए, सारे कच्चे आम सॉफ्ट हो चुके हैं। सारे कच्चे आम को एक छलनी में निकाल लेंगे। अब इसको रगड़ते हुए इसका सारा रस निकाल लेंगे। सारा रस अच्छे से निकल चुका है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसे गरम करेंगे। हम कढ़ाई में कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ पाम का रस ही डालेंगे। और पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। देखिए, ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें चीनी डालेंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इसमें कलर लाने के लिए इसमें थोड़ा सा रंग डालेंगे और मिला लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कलर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से उबलने देंगे।
देखिए उबलकर ये गाढ़ा हो चुका है, इसका मतलब ये तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे, अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर एक कंटेनर में निकाल देंगे। ये ठंडा हो चुका है और देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। ये पहले से काफी गाढ़ा हो चुका है और देखिए इसमें जैम जैसा टेक्सचर भी आ चुका है। अब इसे एक कंटेनर में निकाल लेंगे। मैंगो जैम बन चुका है, अब एक ब्रेड लेंगे। और जैम को ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा, ये एकदम मार्केट जैसा ही जैम बना है और ये आपके फैमिली मेंबर्स को भी बहुत पसंद आएगा और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। मैंगो जैम बनकर तैयार है। आप इसे फ्रिज में 15 से 20 दिन या फिर एक महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी आसानी से बनाकर रख सकते हैं। इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।